अगर आप जानना चाहते हैं कि एक बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति के कौन कौन से लक्षण होते हैं, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि क्या वो लक्षण आपके अंदर हैं, या अगर आप चाहते हैं कि आप और ज़्यादा बुद्धिमान बन जाएं, जो लक्षण मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आपको ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखनी चाहिए। मेक श्योर कि आपके पास इनफ टाइम हो कि आप पूरी वीडियो देख सको, और अगर आप जल्दबाजी में हो, आपको खुद को संभालने का मौका नहीं है, खुद को बुद्धिमान बनाने का टाइम नहीं है, तो प्लीज़ इस वीडियो को यहीं पर आप छोड़ सकते हो। लेकिन अगर आप टिक रहे हो तो आपको मैं मेक श्योर करता हूं कि आप एंड तक बहुत बुद्धिमान बन जाओगे, और आप बहुत चंट और चालाक और समझदार तो बन ही जाओगे। एक समझदार व्यक्ति के अंदर सबसे पहला गुण होता है एक अच्छा लिसनर। वो एक बहुत अच्छा श्रोता होता है। उसे पता होता है दुनिया के बारे में कि दुनिया में लोगों को सुनाना पसंद है, सुनना नहीं। ऐसे में ये लोगों की बातों को सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि अगर किसी की पसंद आपको बनना है तो उसकी बातों को आपको सुनना पड़ेगा। और सुनने से ज़्यादा बेहतर ये होता है कि आप उसकी बातों को समझें। किसी इंसान को समझ सकते हो आप उसकी बातों को समझ कर, उसकी बातों को सुनकर। आप कभी भी अपना रिएक्शन तब तक नहीं दे सकते जब तक आप दूसरों की बातों को समझ ना जाओ। लेकिन हम यही गलती करते हैं। हम ज्यादातर क्या करते हैं, जल्दबाजी में कुछ भी बोल देते हैं, जल्दबाजी में किसी को कुछ भी रिएक्शन दे देते हैं, और वो चीज उसको बुरी लग जाती है। सामने वाला हमेशा हमें यही कहता रहता है कि तुम मुझे नहीं समझते, तुमने मेरी बातों को सुना ही नहीं, मेरा कहने का मतलब तो कुछ और था। लेकिन हम अडिग रहते हैं कि नहीं, तूने यही कहा था, तू यही कह रहा था, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने ये कैसे कर दिया। यानी कि आधा ज्ञान हमेशा से ही घातक रहा है, ज्ञान हमेशा पूरा ही होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि वीडियो को पूरी देख सकना तभी देखना, आधा अधूरा ज्ञान लेकर आपका भला नहीं होगा। तो हमेशा लोगों की पूरी बात को सुना करो। कुछ बोलने से पहले ये देखो कि वो क्या कह रहा है, वो इंसान कैसा है, उसका मूड कैसा है, वो क्या कहना चाहता है, उसका कहने का मतलब क्या है। कई बार इंसान कहता कुछ है मतलब कुछ और होता है, तो ये सारी बातें आपको समझना पड़ेगा और कुछ बोलने से पहले इंसान को सुनना पड़ेगा। दूसरी चीज होती है कि सोच समझ कर बोलो। देखो, समझना जरूरी है, सुनना जरूरी है, लेकिन बोलना भी तो जरूरी है ना। तो जैसे आप किसी व्यक्ति को सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, उसकी बातें, वो क्या कहना चाहते हैं, सब आपको समझ में आ जाती हैं, तो आपको अच्छे से रिएक्ट करना है, अच्छी अच्छी बातें करनी है, है ना। अच्छा, एक और बात समझना कि इस दुनिया में अनगिनत शब्द हैं, बहुत सारे शब्द हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन कई बार कुछ हालातों में चुप रहना ही बेहतर होता है। जरूरी नहीं है कि आप रिएक्ट करें, रिएक्शन ना देना भी एक बहुत अच्छा रिएक्शन होता है। कई बार जवाब ना देना सबसे बेहतर जवाब होता है। तो लोगों की बातों को सुनो, समझो, और ये समझो कि क्या आपको बोलना ठीक भी है, क्या आपको बोलना भी चाहिए। क्योंकि कई बार हम ऐसे लफड़ों में फंस जाते हैं जहां पर हमें बोलने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हमने बोल दिया। कई बार हम बाद में रिग्रेट करते हैं कि शायद मुझे यहां पर ये चीज नहीं कहनी चाहिए थी। तो आपको समझना पड़ेगा कि कहां बोलना है और कहां नहीं बोलना। आपको लोगों के इमोशंस का ध्यान रखना पड़ेगा कि सामने वाले के इमोशंस क्या हैं, वो क्या समझना चाहता है, वो क्या आपसे सुनना चाहता है। कई बार कोई व्यक्ति अपनी स्टोरी सिर्फ आपसे इसलिए शेयर करता है क्योंकि वो अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहता है। तो ऐसे में आप चुप रहिए, शांत रहिए, हाँ में हाँ मिला दीजिए। उसको जरूरी नहीं कि आपसे कुछ सलाह ही चाहिए। तो बेमांगी सलाह, बेमांगी इज्जत, बेमांगी किसी का ख्याल मत करो, लोग आपकी इज्जत नहीं करेंगे। कई बार लोगों की बातों को सुनो, समझो, जरूरत पड़े तो बोलो और नहीं पड़े तो मत बोलो। और ये भी समझो कि कितना बोलना है, कितना बोलना ठीक है, किस तरीके से बोलना ठीक है, इस इंसान को ये बात कैसे कही जाए कि इसको बुरी भी ना लगे और इसको चीज समझ भी आ जाए। तो ये सारी चीजें आपको एक्सपीरियंस से पता चलेंगी। और जब आपको लगे कि आप क्या बोलो समझ में नहीं आ रहा, तो एक चीज करो कि चुप हो जाओ, कुछ बोलो ही मत। तीसरी चीज की पेशेंस रखना सीखो। सब्र का फल बहुत मीठा होता है, पेशेंस रखने आना चाहिए। और थोड़ा जिंदगी में संतोष लेकर आओ। हर एक चीज के पीछे भागना, हर एक चीज के पीछे हाय हाय, तौबा तौबा, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, सब कुछ जल्दी चाहिए, करोड़पति बन जाना एक ही दिन में, सब कुछ एक ही दिन में चाहिए, तो ऐसे आप कभी भी कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। दिमाग को थोड़ा ठंडा रखना सीखो। एक चीज समझो कि इंसान जब सोचता है और वो चीज जब उसके साथ हो जाती है, तो उसके साथ उसका लोभ बढ़ने लगता है, और जो वो सोचता है वो चीज नहीं होती तो उसका क्रोध बढ़ते रहता है। अगर मिल जाएगी तो लोभ बढ़ेगा, नहीं मिलेगी तो क्रोध बढ़ेगा, और दोनों ही चक्की में आप पीसे जाएंगे। तो आप समझिए कि ना लोभ बढ़ाना है ना क्रोध बढ़ाना है, आपका बोध बढ़ाना है, आपका जो विजडम है, जो आपकी समझदारी है, उसको बढ़ाना है। आपको समझना पड़ेगा कि आप जिंदगी बीत जाएगी, आप कोई भी चीज कभी
कभी भी अपने आप को संतोष नहीं दे पाएंगे। आपको कभी ये चाहिए, कभी वो चाहिए, कभी ऐसा चाहिए, कभी वैसा चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जिंदगी में आगे मत बढ़िए, कुछ पाने की इच्छा मत रखिए, बट ऐसा नहीं है ना कि सब कुछ आज ही मिल जाए, सब कुछ आज ही लालच कर लेनी है। नहीं, ऐसा नहीं होता। ज़िंदगी बहुत बड़ी है, आराम से चलिएगा और आराम से थोड़ा संतोष रखिए, पेशेंस रखिए, वक्त के साथ चलिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, है ना। चौथी चीज़ जो कि आपको समझदारी से करनी पड़ेगी कि जो आपकी संगत है, जो आपका फ्रेंड सर्कल है, उसको अच्छा रखना पड़ेगा। कहा जाता है कि जो आपके फ्रेंड्स होते हैं उनका जो एवरेज निकल कर आता है, आप वैसे ही इंसान होते हैं। तो सोचो कि अगर आपके पास चार फ्रेंड्स हैं, दो अच्छे हैं, दो खराब हैं, तो आपके अंदर कुछ अच्छे गुण होंगे, कुछ खराब गुण होंगे। और सोचो कि वो चारों के चारों ही बुरे हैं, तो आप क्या अच्छे बनोगे? नहीं, बुरे ही बनोगे ना ऑब्वियसली। तो क्यों ना चारों को अच्छा बनाया जाए। तो इंसान को हमेशा फ्रेंड्स सोच समझ कर ही चुनने चाहिए। आपके फ्रेंड्स हमेशा अच्छे ही होने चाहिए, फ्रेंड्स कभी भी नेगेटिव नहीं होने चाहिए, जो बस मस्ती करना जानते हैं। मस्ती करे यार, जिंदगी में मजे ले, क्या रखा है। देखो उनकी जिंदगी अच्छे से कट रही है। कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे दोस्त होते हैं वो कुछ नहीं करते क्योंकि उनके बाप के पास बहुत पैसा होता है, तो हमें भी बिगाड़ देता है। अरे कुछ करने की क्या जरूरत, अरे ऐश कर, जिंदगी मजे में चलने दे। ऐसे में आपको समझदारी दिखानी पड़ेगी कि वो लोग कैसे हैं जिनके साथ आप रह रहे हैं। एक अच्छा दोस्त जिंदगी में हमेशा होना चाहिए। अगर कोई अच्छा दोस्त नहीं मिलता तो खुद को दोस्त बनाओ, और वैसे तो दोस्त मिल जाते हैं ना। तो दोस्त एक ही हो मगर अच्छा होना चाहिए। एक ऐसा दोस्त जिसके साथ आप अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, जिसकी आप बातें सुन सकते हैं, उसके साथ अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। उसकी बातें सुनना, उसके सीक्रेट्स को छुपा कर रखना, कुछ अपनी बातें बताना, कुछ उसकी बातें सुनना, कभी उसकी हेल्प कर देना, कभी उसकी हेल्प ले लेना। तो उसके लिए आपको खुद ही एक अच्छा दोस्त बनना पड़ेगा सामने वाले के लिए। जब आप उसके लिए एक अच्छा दोस्त साबित होंगे तभी वो आपका अच्छा दोस्त साबित हो पाएगा। तो हमेशा याद रखिए, संगत इंसान की अच्छी होनी चाहिए। पाँचवीं चीज़ कि टाइम को अच्छे से समझना सीखो, टाइम की वैल्यू को समझो। लोग टाइम की कदर नहीं करते, उनके हिसाब से टाइम तो ऐसे ही है, टाइम तो बस बीता जा रहा है, क्या करना है। अरे टाइम तो टाइम बहुत सारा है, लेकिन आप समझते नहीं है कि टाइम कब बीत जाता है पता भी नहीं चलता। समय के पाबंद बनो, घड़ी के पाबंद बनो। घड़ी कभी किसी के लिए नहीं रुकती। सेल निकाल दोगे अलग चीज़ होगी, लेकिन जो समय होता है वो कभी किसी के लिए नहीं रुकता। वो टिक 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 चलता रहता है, और एक दिन वो टिक 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 आपको दबा देता है, फिर आप रिग्रेट करते हो कि काश मैं ये चीज़ पहले कर लेता। इसलिए इंसान को समझदार बनना चाहिए और थोड़ा समय का मोहताज बनना चाहिए। समय को समझना चाहिए कि समय की क्या मांग है, इस टाइम पे मुझे कौन सी चीज़ करनी चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं करनी चाहिए, क्या ये चीज़ करने का सही समय है। अगर सही समय नहीं है तो आप रुक सकते हैं। तो समय के पाबंद बनिए, आप ज़िंदगी में बहुत आगे जाएंगे। और छठी और आखिरी बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम्बल बनिए, बी हम्बल। थोड़ा नरम बनिए, थोड़ा अपने आप को सहज बनाइए, लोगों से अच्छे से बात करिए, रिस्पेक्ट गेन करिए। कभी भी रिस्पेक्ट आप डरा धमका कर नहीं ले सकते। अगर आप चाहते हैं लोग आपकी रिस्पेक्ट करें तो एटलीस्ट उनकी रिस्पेक्ट करिए, अच्छे से बात करिए, हम्बल बनिए, अपनी इमेज अच्छी बनाइए। रोज सूरज उगता है, रोशनी देता है, लेकिन कभी उसने ये शिकायत नहीं कि मेरी रोशनी खत्म हो रही है, मैं तुम्हें रोज रोशनी देता हूँ, मेरी रोशनी खत्म ना हो जाए। नहीं, जो अच्छे इंसान होते हैं वो अच्छाइयाँ बिखेरते रहते हैं, बिखेरते रहते हैं। उनके पास इतनी अच्छाइयाँ होती हैं कि वो अच्छाइयाँ कभी भी खत्म नहीं होती। तो लोगों की हेल्प करना सीखे, लोगों की मदद करना सीखे। ये मत सोचो कि ये चीज़ देने से मेरे पास ये चीज़ खत्म हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। कभी अच्छा काम करके देखना, आपको खुद के अंदर एक अच्छी सी अच्छी चीज़, एक अच्छी वाइब्स फील होंगी कि यार अच्छा महसूस हो रहा, अच्छी फीलिंग्स आ रही हैं कुछ अच्छा करके। तो लोगों के लिए अच्छी चीज़ें करो, कुछ मदद करो, कुछ हेल्प करो, अच्छे काम करो, लाइफ में बहुत आगे जाओगे। ज्ञान नहीं दे रहा हूँ मगर कभी करके देखना, आपको खुद को पता होगा। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी के लिए कुछ काम अच्छा किया हो और आपको इतनी अच्छी एनर्जी महसूस हुई हो अंदर कि यार वाह कितना अच्छा लग रहा है। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कैसा आपके साथ कब हुआ था। और ये जो बातें मैंने आपको बताई इसको ज़रूर फॉलो करना। और अगर आप अच्छे व्यक्ति हो प्लीज़ इस वीडियो को एक व्यक्ति के साथ शेयर कर देना, क्योंकि ये वीडियोस लोगों तक पहुंचनी ज़रूरी हैं ताकि वो भी थोड़े समझदार बन सके। तो अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करना, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि फ्रेंड्स अच्छे होंगे तभी आप भी अच्छे होंगे। तो मेक श्योर कि जितने भी आपके अच्छे फ्रेंड्स हैं उन सभी के साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर कर देना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, जो कि शायद लगी ही होगी यहाँ तक देखी है, तो वीडियो को लाइक भी कर देना, है ना, लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ रोज़ पाना चाहते हैं। तो